नहीं हम और सामूहिक नेतृत्व, इसके अलावा हम इस लड़ाई को पार नहीं पा सकते। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कितना भी ताकत करो, कितना भी समझदार हो, कितना भी होशियार हो, कितनी भी उसमें असीम आर्थिक क्षमताएं हो, पर जब तक हम नहीं होंगे तब तक वो दम नहीं आएगा। तो साथियों, अंतिम भावना आप सबको मैं फिर स्वागत करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, 5 स को हम सब आत्मसात करें, संघर्ष को, समन्वय को, सक्रियता को, संकल्प को और संवाद को। याद रखें इस बात का कि ये सब एक संगठन की ताकत होती है। और मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरा अनुभव आपसे कम है, मेरी उम्र भी आपसे कम है, मंच पर बैठे परिवार के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप में से ही बल मिलेगा, हम सब पास होंगे। आप सब जो सामने बैठे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही हमारा संघर्ष जो 20 साल का लगातार है, इस संघर्ष में जान आएगी, हमें भी उत्साह आएगा। हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, कुशासन को, जिस तरीके की हठधर्मिता हद दर्जे की है, उससे लड़ पाएंगे। मैं एक बार फिर आपको आशा और विश्वास से इस भावना को व्यक्त करता हूं कि आपके विश्वास पर जो देश के नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, तमाम सीनियर नेताओं ने, जो परिवार के लोग चुनाव लड़े, वो चाहे चुनाव हारे या जीते, उनसे भी संगठन ने ऊपर नेतृत्व ने पूछा था कि किस तरह का स्वरूप हो आने वाले नए नेतृत्व का। सब ने भरोसा जो मुझ पे किया, उमंग जी पे किया, हेमंत जी पे किया, हम आपका भरोसे को कायम रखेंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय कांग्रेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।